हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुझे लाल पूरे बाग माइंड बोटैनिकल स्पेस गार्डन के है। बारे में, जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड है। ये गार्डन जो है बहुत सारे प्लांट स्पीसीज के लिए फेमस है, और काफ़ी ओल्ड ट्री जो मम्मी का 100 ठीक 200 कहते हैं, ईयर्स मुझे ओल्ड पता है नहीं पगला उसके लिए क्यों भी है, जाना मुझे जाता है। मौसी पगला है, मैंने ये जो थोड़ा टू पगला टू दिया है। फिफ्टी ईयर्स ओल्ड ये गार्डन है, और 240 एकर्स में फैला हुआ है। इसके 4 एंट्रेंस गेट है, और इसका जो एंट्री फीस है वो 25 रुपीज़ है। तो आगे भाई हम साहब वीडियो में सब एक एक करके आपको बताएंगे। आप 4 गेट देख सकते हैं, जो मेट्रो से नियरेस्ट है वो वेस्ट गेट है। आप कोई मेट्रो लेकर, जो ग्रीन मेट्रो है उसके थ्रू आप जा सकते हैं। मेन एंट्रेंस जो है नॉर्थ गेट है, ये नॉर्थ गेट का एंट्री पॉइंट है, और ये काफ़ी वाइड है। यहाँ पार्किंग आपको बाहर में थोड़े बहुत मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपके जनरली पार्किंग करनी होती है तो आप ईस्ट गेट में जा सकते हैं। और जो ओल्ड पीपल है अगर आपके साथ में, तो उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल से वो लाल बाग गार्डन को घूम सकते हैं, तो उसके लिए उनको इस गेट पर जाना होगा। वहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेलेबल होता है, 100 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पे जो टिकट चार्ज है जनरली 25 रुपीज़ है, बट जो मॉर्निंग और इवनिंग में जॉगिंग करने जाते हैं लाल बाग के अंदर, उनको ये फ्री होता है। तो ये फ्री जो होता है 6 AM से 9 AM आई गेस होता है, और इवनिंग में 5:30 to 7 o'clock फ्री होता है फॉर जॉगर्स। अदरवाइज सबके लिए 25 रुपीज़ का चार्ज लगता है। किड्स बिलो 12 ईयर्स के लिए कोई टिकट नहीं देना होता है। ये एंट्रेंस जैसे मेन गेट जो नॉर्थ गेट है, यहाँ से एंट्रेंस करेंगे तो ये व्यू आता है पूरा। यहाँ ट्रीज सब काफ़ी पुराने हैं, लगभग 200, 150, 100 ईयर्स पुराने। इनकी शाखाओं के आप देख सकते हैं, और ये जो ग्रीनरी है, यहाँ वॉकवे बना हुआ है। 3-4 घंटे स्पेंड करने के लिए काफ़ी अच्छा जगह है लाल बाग। कम से कम आपको 3 से 4 घंटे लग ही जाएंगे वो, अगर आप प्रॉपरली अच्छे से अगर इसे घूमना चाहते हैं तो। यहाँ पे सब कुछ है, पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स है, लेक है, छोटा सा एक पहाड़ है जहाँ पे वॉच टावर है। यहाँ का गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल है। कुछ ट्रीज जो काफ़ी पुराने हैं, उसमें एक वाइट सिल्क कॉटन का है, जो कि आगे आपके वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये हॉर्टिकल्चर इसको मेंटेन करता है लाल बाग को, और जनरली इसका हेड जो होता है एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। काफ़ी यूनिक चीज़ है, और इसकी बहुत सारे रूट्स दिखेंगे जो कि बाहर निकले और फिर वो ज़मीन में चले जाते हैं, और फिर वहाँ से वो ट्रीज़ कनेक्टेड हो जाता है। और ये ट्रीज़ लगभग मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड है, और ये पाथवे है जो कि ग्रीनरी आपको चारों तरफ आप देखेंगे। और इसी की मैं बात कर रहा था, वाइट सिल्क कॉटन जो कि 200 ईयर्स ओल्ड है, और आई थिंक मैंने सुना ये ग्रीस से शायद लाया गया ये ट्रीज़ को। इसका थिकनेस अगर आप डायमीटर वाइज देखें तो इट्स अराउंड 1.5 to 2 मीटर इसका डायमीटर होगा, इतना मोटा है ये ट्रीज। ये सारे जो आपको आकृतियाँ दिख रही हैं, जो ये इमेजेस दिख बने हुए हैं, ये 200 ईयर्स से ज़्यादा पुराने जो ट्रीज होते हैं, जो नीलगिरी से लाए गए हैं, उनके ऊपर ये नक्काशी करके बनाए गए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको लाल बाग में दिख जाएंगे। लिखा हुआ नील ग्रीस ट्रीज 200 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ जो पुराने ट्रीज हैं उनसे नक्काशी करके बनाया हुआ, काफी अद्भुत लगता है देखने में। ये ग्लास हाउस है जो कि 1889 से मतलब वर्क कर रहा है। इसका नाइट व्यू है, बहुत ही सुंदर होता है। और यहाँ पे एक फ्लावर शोज होते हैं जो कि 26 जैन एंड 15 अगस्त वाले वीक में यहाँ पे होता है, जो कि बहुत ही सुंदर होता है। अगर आप इनर अराउंड बैंगलोर हों तो आपको ज़रूर जाना चाहिए एक ग्लास हाउस में। ये जो पार्क है लाल बाग बोटेनिकल गार्डन, ये काफ़ी पुराना है। कहा जाता है कि ये 250 ईयर्स से भी ज़्यादा ओल्ड है। हैदर अली ने शायद इसको स्टार्ट किया था बहुत पहले, फिर कैंपेगौड़ा ने इसको मेंटेन किया, फिर अंग्रेजों ने इसको देखा, और अभी गवर्नमेंट के हाथों में, तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन और काफ़ी पुराना पार्क है।
आपको स्नैक्स आइटम मिल जाएंगे जो कि ईस्ट गेट के पास है, और यहाँ पे आपको पार्किंग भी अवेलेबल होता है गार्डन के अंदर। टू व्हीलर फोर व्हीलर पार्किंग अवेलेबल है, कुछ नॉर्मल चार्जेस देने होते हैं। यहाँ पे खाने पीने की कुछ वस्तुएं आपको मिल जाती हैं, स्नैक्स आइटम कुछ खरीदने को आपको मिल जाएगा। और यहीं पे आपको नर्सरी भी है जो कि नर्सरी कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा मेंटेन किया जाता है, और वहाँ पे बहुत ही सुंदर छोटे छोटे प्लांट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे फ्लावर्स के प्लांट मिलेंगे जो कि आपको बाहर जनरली नहीं मिलेंगे, और इनका प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल होता है। एक लार्ज रॉक है जो कि लालबाग गार्डन में पाया जाता है, और ये काफ़ी पुराना है, इसके ऊपर ये वॉच टावर है जहाँ से आप पूरा व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो लोटस पॉन्ड लालबाग लेक है, तो दोनों कनेक्टेड है। ये लेफ्ट साइड में आप लोटस पॉन्ड आपने देखा, और ये लालबाग लेक है, व्यू इसका काफ़ी अच्छा, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये ब्रिज है, इस पर आप जा सकते हैं, जाकर फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। लाल ये लेक लालबाग लेक के पास में आपका वेस्ट गेट आता है, जहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो 100 मीटर के डिस्टेंस पे लालबाग मेट्रो स्टेशन आपको मिलेगा। ये वेस्ट गेट है, यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो आपको लालबाग मेट्रो स्टेशन मिलेगा। ये लालबाग मेट्रो स्टेशन है जो कि ग्रीन लाइन पे आता है। इसके बाद आप ये जो जयनगर कनेक्ट करता है, फिर लालबाग के अंदर में एक नर्सरी भी है जहाँ पे बहुत सारे आपको प्लांट्स, बहुत सारे फ्लावर प्लांट्स आपको मिल जाएंगे, और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल होता है, आप उनको खरीद सकते हैं। जो आप देख सकते हैं छोटे छोटे पौधे, वेराइटीज़ बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल होते हैं।